हेलो एवरीवन, मैं हूँ पिंकी। और जैसे कि आप लोग आज तक मेरी वीडियोस देखते आए हो और आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं, एंड जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं मेरे वॉइस में और मेरे फेस के साथ मेरे चैनल पे अब से वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूँगी, सो आज मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ जो है सेलोफेन के रिलेटेड। सो सेलोफेन इज़ नथिंग बट द कोन रोलिंग पेपर। सो आज मैं बात करूंगी सेलोफेन पेपर के बारे में ही। तो मार्केट में सेलोफेन पेपर के बहुत सारे वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। सो उनमें से आपको अपने काम के लिए कैसा सेलोफेन चूज़ करना है, तो वो आपको मैं आज बताने वाली हूँ। तो मेरे पास अभी दो सैंपल हैं, एक ये है और एक ये है। लाइक इसमें मेरे पास तीन चार प्रिंट्स हैं, ओके, एंड एक ये पेपर है। तो इन दोनों पेपर्स में डिफरेंस क्या है, लाइक सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो जैसे मैंने आपको दोनों पेपर बताए हैं, सो मैं दोनों का एक एक शीट लेके ही आपको बता देती हूँ, ओके। सो ये एक पेपर है और ये एक पेपर है। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो लुक वाइज क्या होंगे, दोनों की थिकनेस आपको क्या लग रही होगी, सेम है, बट नो, थिकनेस में बहुत फ़र्क है। सो ये जो पेपर है इसका साउंड आप सुन सकते हो कैसा साउंड आ रहा है, एंड ये आप सुन सकते हो इसका साउंड कैसे आ रहा है जब मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ, और इसका साउंड कैसे आ रहा है, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस व्हाइल यू परचेज द पेपर, दैट टाइम यू हैव टू सी कि आपको क्या करना है, इसको ऐसे दबा के देखना है कि इसका साउंड कैसा आ रहा है। इसका साउंड ऐसा आ रहा है मतलब ये पतला है, और इसका साउंड थोड़ा अलग आ रहा है, कम आ रहा है, मीन्स ये क्या है, थोड़ा थिक पेपर है, ओके। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। उसके बाद आपको पेपर टच करके देखना है, टच करके आपको फील आना चाहिए कि हाँ ये कंपेयर करना है। अगर दो पेपर हैं आपके पास या आपके पास पहले से कोई पेपर है तो इस तरह से कंपेयर करना, आपको क्या होगा, थिकनेस में फ़र्क नज़र आएगा। तो थिकनेस में फ़र्क होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको परचेस करना है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ कि कौन से वर्क के लिए कौन सा पेपर लेना है, दैट इज़ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो अगर आप ब्राइडल मेहंदी करते हो विथ ब्राइडल मेहंदी विथ फिगर्स एंड थिन लाइंस एंड स्कैलप्स, थिन फिलिंग वाला जो भी काम करते हो, थिन फिलिंग वाला ब्राइडल करते हो, मिनीचर फिगर्स करते हो, फिगर वर्क ज़्यादा करते हो, पोर्ट्रेट करते हो, तो ऐसे टाइम पे आपको इस तरह का पेपर लेना है। नॉट टू मच थिन, नॉट टू मच थिक। तो ये पेपर आपको कभी भी क्या करना है, थिन वर्क के लिए लेना है। तो ये थिन वर्क के लिए क्यों लेना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि थिन वर्क में क्या होता है, जब आप ये कोन रोल करते हो तो ये रोल करने के बाद इसका जो पॉइंट बनता है, ये जो पॉइंट बनता है, आपको जितना थिन चाहिए उतना आप इसको बना सकते हो, उतना थिन बनता है ये, ओके। सो सी थिन बना ये, मैं इसे खींच लूँगी तो भी देखिए ये थिन है, ओके। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद ये पेपर सॉफ्ट होता है तो आपको होल्ड करने में ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता है, ज़्यादा दबाना नहीं पड़ता है, तो आपके थम में भी क्या होगा, पेन नहीं होगा, तो इसीलिए ये बेस्ट है। उसके बाद ये पेपर से जब आप कोन रोल करते हो, ये थिक होता है, और जब आप इसे कोन रोल करते हो तब इसका जो पॉइंट बनता है, कितना भी आप खींच लो तो देख सकते, ये उसके कंपैरेटिवली थोड़ा क्या होता है, मोटा बनता है। तो मोटा बनने की वजह से क्या होता है, पॉइंट मोटा ही बनता है। तो ये आपको किस लिए यूज़ होगा, जब आप खलीजी टाइप्स के डिज़ाइन करते हो, दुबई स्टाइल के डिज़ाइन करते हो, दुबई स्टाइल ब्राइडल करते हो, तो उस काम के लिए आपको क्या करना है, इस तरह का पेपर लेना है। एंड मोस्टली फ्लोरल के लिए भी आप ये पेपर यूज़ कर सकते हो। तो ये था आज का दोनों डिफरेंस बिटवीन दिस सेलोफेन पेपर्स, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और डू सपोर्ट दी ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ। थैंक यू एवरीवन।